जय बद्री विशाल। यह जोशीमठ का प्रसिद्ध नृसिंह मंदिर है और शंकराचार्य की पीठ है, और यह बाजू में नया मंदिर जो बन रहा है वह भी शंकराचार्य का मंदिर है। तो चलिए बद्रीनाथ दर्शन के, बद्री विशाल के। जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरे यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मुख्य ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। आज के एपिसोड में हम लोग केदारनाथ से उतरकर वाया तिलवाड़ा होकर जोशीमठ तक की यात्रा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम। ओम नमः शिवाय। हेलीकॉप्टर से फाटा हम लोग 5 मिनट में पहुंच गए, केदारनाथ से फाटा। और फाटा में ही हमें हमारे ग्रुप के मेंबर दिल्ली वाले बख्शियंकर और वीना आंटी मिल गए, वो भी हेलीकॉप्टर से नीचे आए थे। हम लोग 4 मिलकर टैक्सी से यहाँ रामपुर GMBN रेस्ट हाउस में पहुँचे। यह GMBN का रेस्ट हाउस रामपुर में है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर विशाल, आप देख सकते हैं, मंदाकिनी के बाजू में ही, बाजू में मंदाकिनी नदी बह रही है। यहाँ हमने लंच लिया, लंच लेके थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। और हमारे अन्य ग्रुप के मेंबर जो चल के केदारनाथ से आ रहे हैं, वो आने के बाद हम लोग तिलवाड़ा जाने के लिए निकलेंगे यहाँ से। अभी अभी हम तिलवाड़ा पहुँचे हैं। यह यहाँ का GMBN का गेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं। ये पहले माले पे हमारा रूम है, जो अंदर से बहुत ही सुंदर, वेल इंटीरियर, वेल डेकोरेटेड रूम है। AC वगैरह लगा हुआ है, डबल बेड है, अच्छा खासा वार्डरोब है, अच्छा सा बाथरूम है। GMBN में आने से यही तो फायदा है कि आपको अच्छे से अच्छे लोकेशन में अच्छे से अच्छा वेल इंटीरियर रूम मिलता है। आप देख सकते हैं बाहर का व्यू भी एकदम, कॉटेजेस वगैरह बहुत ही बढ़िया है, आरामदायी है। अपनी पूरी थकान जो है जर्नी की, वो पूरी थकान निकल जाती है। जय बद्री विशाल। दूसरे दिन सुबह चाय नाश्ता करके बद्रीनाथ जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। रास्ते में जोशीमठ में हम नृसिंह मंदिर और शंकराचार्य मठ के दर्शन करेंगे और 4 प्रयाग के भी दर्शन करेंगे। कितने सुंदर लोकेशन पर है GMBN तिलवाड़ा का यह गेस्ट हाउस, आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं जोशीमठ के लिए। जोशीमठ में हम लोग नृसिंह मंदिर व शंकराचार्य मठ के दर्शन करेंगे। तिलवाड़ा से निकलकर हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकल गए। रास्ते में सबसे पहले रुद्रप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग जहाँ पर मंदाकिनी नदी व अलकनंदा नदी का संगम है, उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर दोनों नदी के संगम बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को दिख रहा है। आगे हम और अच्छे से आपको दिखाएंगे। अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से आ रही है और मंदाकिनी जो केदारनाथ से आ रही है, आप देख सकते हैं दोनों ही नदियों के रंग में कितना बड़ा फर्क दिख रहा है। और यह संगम जहाँ होता है, यह रुद्रप्रयाग है, बहुत ही पवित्र माना जाता है यह दोनों नदियों का संगम यहाँ पर। और यह जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है, जब केदारनाथ की त्रासदी आई थी 2013 में, तब पानी यहाँ तक आ गया था, यह मंदिर भी इसमें बह गया था। यह जो मंदिर बना है वह नया मंदिर है।
अभी हम लोग रुद्रप्रयाग के GMVN के गेस्ट हाउस का रेस्टोरेंट के अंदर चाय नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप मेंबर त्रिपाठी जी को थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए हैं। तो हम लोग यहाँ से शूटिंग कर रहे हैं संगम का। एक तरफ से मंदाकिनी नदी आ रही है, दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है, और बीच का जो संगम है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। बहुत ही पवित्र प्रयाग जिसे बोला जाता है वो रुद्रप्रयाग है। आप देख सकते हैं और ये जो मंदिर है वह 2013 की त्रासदी में पूरा ही बह गया था, और अभी जो आप देखते हैं देख रहे हैं वो नया स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आप दूर से ही उस मंदिर के दर्शन कीजिए। एक साइड में जो पीछे से की साइड में एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है वो मंदाकिनी नदी का मंदिर है, और दूसरा जो है वो अलकनंदा नदी का मंदिर है। हमारे ग्रुप मेंबर त्रिपाठी जी जो केदारनाथ से चल के आए थे, और उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने की वजह से अभी हमको मालूम पड़ा कि उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया हुआ है, तो अभी हमारा आज 3 से 4 घंटा बिगड़ गया है इधर। तो आगे देखते हैं हमारा कुछ प्रोग्राम में फेरबदल होएगा। लगभग 3 घंटे के बाद हम लोग रुद्रप्रयाग से आगे की ओर हमारा सफर चालू किया है। आगे जो है अभी आएगा वो कर्णप्रयाग। आप देखेंगे कर्णप्रयाग जो है वहाँ पर अलकनंदा और पिंडारी नदी का जो कुमाऊँ से आती है, पिंडारी ग्लेशियर से वो पिंडार नदी का संगम है, उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। आप देख सकते हैं नीचे की ओर कर्णप्रयाग। अभी जो सामने दिख रहा है वो गोपेश्वर है। आप नीचे की ओर देख रहे हैं कि अलकनंदा नदी जा रही है, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और अभी आगे आएगा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग जो है वो अलकनंदा और गरुड़ गंगा नदी का संगम है, उसे नंदप्रयाग कहा जाता है। आप देख सकते हैं नीचे की ओर नंदप्रयाग। अभी ये गोचर आया हुआ है, ये गोचर का GMVN का गेस्ट हाउस है। हम लोग बद्रीनाथ से रिटर्न आने के टाइम आपको हम उसके बारे में बताएंगे। अभी हम चमोली आए हुए हैं। चमोली जो है यहाँ से एक साइड में बद्रीनाथ का रास्ता है और एक साइड में केदारनाथ का रास्ता है। आप देख सकते हैं सीधा जो है 133 किलोमीटर केदारनाथ, और अभी लेफ्ट साइड में हम लोग जो मुड़ेंगे वो साइड में बद्रीनाथ आएगा। आगे बस हम लोग जोशीमठ पहुंचने में ही है। अभी हम जोशीमठ पहुंच गए हैं। जोशीमठ में उसका मुख्य आकर्षण तो नृसिंह मंदिर व शंकराचार्य का मठ है, पर उसके ऊपर 4 किलोमीटर औली है। जो औली जो है वो केबल कार से जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं सामने की ओर केबल कार, वो खड़ा रह के जो केबल कार होती है वैसी केबल कार यहाँ पर है। हम लोग जोशीमठ पहुँच गए हैं। यहाँ हमने लंच लेने के लिए एक ब्रेक लिया है। आज लंच में हमने साउथ इंडियन डिशेस खाई, डोसा वगैरह। और आप जो सामने साइन बोर्ड देख रहे हैं वह बद्रीनाथ जाने के लिए दिखा रहा है 44 किलोमीटर। यहाँ से गोविंद घाट 20, पांडुकेश्वर 22, बद्रीनाथ 44, और यह जो हम जाने वाले हैं नरसिंह मंदिर और
शंकराचार्य पीठ की ओर दिखा रहा है बोर्ड, और ये जो मैं देख रही हूँ ऊपर वो केबल कार जो जा रही है ओली की, वो दिखाई दे रही है ओली जाने के लिए, ऊपर से यहाँ से स्पष्ट दिखाई देती है। और यह जोशी मस्ट का वह चौक जहाँ हम रुके थे लंच के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर, जो रोड से नीचे जाना पड़ता है, नीचे उतरकर मंदिर में जाना पड़ता है। हम पहुंच चुके हैं नरसिंह मंदिर, बाजू में ही शंकराचार्य की पीठ भी है। यह बहुत ही पुराना मंदिर है और बाजू में शंकराचार्य का नया मंदिर बन रहा है, आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ में सर्दियों के मौसम में जब 6 महीने भगवान के मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब बद्री विशाल के दर्शन इसी मंदिर में होते हैं 6 महीने के लिए। तो चलिए हमारे साथ आप भी दर्शी मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के दर्शन के लिए, चलो बच्चों साथ में। यह शंकराचार्य मंदिर की गादीपति गादी जी से बोलते हैं पीठ, वही है जहाँ पर 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी के दर्शन मिलते हैं। और यह अंदर से यह मंदिर कितना भव्य दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर और भव्य शंकराचार्य मंदिर आप देख सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। यह एलिफेंट पहाड़ है जो हाथी का शेप का है, आप देख सकते हैं हाथी का शेप का पहाड़ एलिफेंट पहाड़ बद्रीनाथ के रास्ते पर। आगे बद्रीनाथ के रास्ते पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिखाई देने लगे हैं, और अलकनंदा नदी जो नीचे एकदम दिखाई दे रही है। आगे सरपा का रास्ते भी आएंगे जो सामने दिख रहा है, वो चढ़ते ही जाना है और फिर आगे पूरा उतरना पड़ता है बद्रीनाथ के रास्ते पर। अभी जो आगे दिखाई दे रहा है वो जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, आगे जो उसका पुल भी दिखाई दे रहा है, और नीचे जो है वो पानी जो है केनाल के थ्रू जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट, और वो पुल के ऊपर से ही हम लोग अभी दूसरी साइड पे जाएंगे। अभी जो नीचे दिख रहा है वो विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग जो है वो अलकनंदा वो धौली गंगा नदी का संगम है, उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ऊपर उसका मंदिर भी है, अभी हम रास्ते में देखेंगे दूर से मंदिर को भी दर्शन करेंगे। आप नीचे देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है, दोनों नदी का पानी कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा ब्रिज जो है टूटा हुआ है, दूसरी साइड से भी ब्रिज को क्रॉस करके जब भी आते हैं तभी दूसरी साइड से भी उसका दृश्य दिखाई देता है संगम का, वो आगे की ओर हम देखेंगे। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये संगम का दृश्य।
तो बस हम बद्रीनाथ के लिए अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे और लैंडस्लाइड वाला एरिया आएगा, खराब रास्ता भी आएगा, तो उसके लिए ही हम लोग जोशीमठ से थोड़ा जल्दी निकल गया है। आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड वाला एरिया, पूरा रास्ता बंद रहता है कभी कभी। तो आज के एपिसोड में हमने जोशीमठ तक की यात्रा की। आगे के एपिसोड में हम लोग बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे भारत का आखिरी गांव माना गांव तक की यात्रा करेंगे, जहां पर भीमशिला है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, कैसव प्रयाग वगैरह है, तो देखेंगे अगले एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।